हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने 2017-18 के लिए 1,02,329 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एसवाईएल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, बजट में नहीं कोई नया कर। जाटों समेत 6 जातियों के आरक्षण पर अंतरिम रोक का मामला, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील ने आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप, कोर्ट ने एक हफ्ते तक सुरक्षित रखा फैसला। जात आंदोलन को देखते हुए करनाल में मुनक नहर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मुनक हेड पर केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों की तैनाती। मांगे ना माने जाने पर जाट समुदाय ने दिल्ली को पानी सप्लाई ठप करने की चेतावनी दी। दलित समाज के लोगों को घुटचड़ी से रोकने का मामला, करनाल के गांव सग्गा के सैकड़ों दलित परिवारों ने छोड़ा गांव, दोनों गुटों में जमकर हुई मारपीट, पीड़ित लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में 14,36,000 रुपए की पुरानी करेंसी के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी की गाड़ी से बरामद की करेंसी। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन आज, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा, धूमल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा मेडिकल कॉलेजेस के लिए वीरभद्र सरकार ने खुद ही ले लिया श्रेय, केंद्र सरकार ने दिया है कॉलेजेस के लिए फंड। शिमला में बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन न देने पर पेंशनर समन्वय समिति ने सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप, 9 मार्च को अधिवेशन का आयोजन कर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। चंबा के साहू मार्ग पर दरका विशाल पहाड़, जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई लाइव तस्वीरें, चंबा से कटा साहू को जाने वाला रास्ता, लैंडस्लाइड रुकने के बाद शुरू होगा सड़क खोलने का काम। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, आपराधिक मानहानि मामले में 29 जुलाई को पेश होने के आदेश।